आज की रेमेडी बराबर है उस महंगे हेयर स्पा की जो आप पार्लर में कराने जाते हो अपने झड़ते बालों को रोकने के लिए, बालों को स्ट्रेट करने के लिए, शाइनी और हेल्दी बनाने के लिए। यहाँ पर सिर्फ मैं दो इंग्रेडिएंट यूज़ करूँगी, दोनों ही घर पर इजीली अवेलेबल होते हैं। अगर मैं खर्चे का हिसाब लगाऊँ तो सिर्फ और सिर्फ 15 रुपये आपके इस रेमेडी को बनाने में लगेंगे। तो प्लीज़ कम्प्लीट वीडियो लास्ट तक देखें, और अगर आपको लगता है छोटा इन्फॉर्मेशन अच्छा है आपके लिए तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा। और हाँ, साथ साथ मैंने आपको और भी हेयर स्पा के मास्क बताए हैं जिसके लिए एक आर्टिकल है और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो ज़रूर चेक करें। तो हमारा फर्स्ट इंग्रेडिएंट जो है वो है एलोवेरा जेल। मैंने बिल्कुल फ्रेश एलोवेरा यूज़ किया है और आपको भी यही सजेस्ट करूँगी कि किसी फ्रेंड के यहाँ से कहीं से भी मंगाएं, लेकिन अरेंज करें ओरिजिनल एलोवेरा यानी कि फ्रेश एलोवेरा। अगर आपको बेस्ट रिजल्ट चाहिए तो इसको आपने पेस्ट बना लेना है मिक्सी के जार में डालकर बिना पानी डाले। एलोवेरा एक नेचुरल कंडीशनर है जो आपके बालों को हेयर फॉल रोककर स्मूथ और शाइनी बनाता है। ये आपके बालों के ग्रोथ को प्रमोट करता है। अगर आपके बालों में खुजली होती है तो यहाँ तक कि जो प्रॉब्लम मुझसे बोली गई थी डैंड्रफ, उसको भी दूर करता है। सेकेंड इन्ग्रीडियंट हमारा है दही। ये मैंने 250 ग्राम लिया है, तो आप देख सकते हो कि परफेक्ट आपको मैंने मेज़रमेंट बताया है। दो एलोवेरा के हमने रूट्स लिए थे, उसके बाद हमने इसमें ऐड किया है 250 ग्राम कर्ड। तो चलिए अगर साथ ही साथ बात करें दही के बारे में, तो वो भी सेम यही काम करती है, आपके बालों को हेल्दी करती है, सिल्की और स्मूथ बनाती है, साथ ही साथ आपके बालों का डैंड्रफ ख़त्म करती है और होने वाले हेयरफॉल को रोकती है। तो अगर आप इस हेयर पैक की बात करोगे तो ये दोनों ही चीज़ें आपके बालों को बहुत ही तेज़ी से काम करती हैं, बालों का झड़ना रोकने में और स्मूथ शाइनी बनाने में। अगर आप चाहते हैं कि आपके बाल नेचुरली स्ट्रेट लगने लगे तो आपको इसे वीकली 2 बार ज़रूर लगाना है, जैसे कि कोई हेयर स्पा क्रीम लगाते हैं बालों में, जैसे पार्लर में क्रीम लगाई जाती है ऐसी बालों में लगाकर फिर उसके बाद आपको हल्के हाथों से बालों में मसाज करनी है और आधे घंटे बाद छोड़ दीजिए। आधे घंटे के लिए छोड़ने के बाद आपने सिंपल शैम्पू करना है, कंडीशनर की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये ख़ुद में एक बहुत ही अच्छा कंडीशनर और एक हेयर ट्रीटमेंट है जो कि रोकता है आपके बालों के हेयर फॉल को और होते हैं आपके बाल हेल्दी और शाइनी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।